हाँ फान बेटा, सलाम अलैकुम। आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको बार बार तंग कर रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, बोलो। एनी तो ठीक है ना? जी जी एनी बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली अंकल, मैं अपनी शादी का एक छोटा सा फंक्शन करना चाह रहा था। आप तो जानते हैं ना कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी, तो बस एक छोटा सा इवेंट करना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे कुछ करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स होंगे। अंकल मुझे डर है कि घर में जो हालात हैं उसमें कहीं मैं एनी को खो ना दूँ। इन हालात की वजह से मैं एनी और उमर का सही से ध्यान नहीं रख पा रहा और हमारे दरमियान उलझन बढ़ती जा रही है। अंकल आप तो जानते हैं ना, मियाँ बीवी का रिश्ता साथ रहने से मजबूत होता है। ठीक कह रहे हो बेटा, मैं समझ सकता हूँ। और वैसे भी जरीन ने मुझे घर के हालात से आगाह किया हुआ है। अंकल एनी एमल भाभी की वजह से उलझी हुई है। अंकल एनी को ये लगता है कि एमल भाभी ये सोचेंगी कि उनका घर तो उजड़ गया और हम अपना घर बसा रहे हैं। अफान बेटा, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को जिंदगी की तमाम खुशियां मिलें और उम्र के सर पे भी कोई शफकत का हाथ रखने वाला बाप हो। मैं वादा करता हूँ अंकल कि आप लोगों को और एनी को मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। इंशाल्लाह। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे से इवेंट में जरूर शिरकत करेगा। ठीक है बेटा, तुम वक्त और जगह से आगाह कर देना, हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। थैंक यू अंकल, अल्लाह हाफिज। अफान क्या कह रहा था? अरे भाई, वो कल वलीमा करने की बात कर रहा था तो तुमने सुन ही लिया। मैंने उसे कहा है कि वक्त और जगह का बता दे, हम पहुंच जाएंगे। वैसे भी उन दोनों को क्या ही फर्क पड़ता है, जिस तरह निकाह किया था उसी तरह वलीमा भी कर लेंगे। बजा लें खुशियों की शादियां ने, किसी की गोद उजड़े किसी का घर बिखरे, क्या ही परवाह है उन दोनों को। खुदा का खौफ करो एमल, तुम मुसलसल एनी पे इल्जाम लगा रही हो जो बिल्कुल गलत है। हाँ जानती हूँ मैं। क्या हो गया इस लड़की को? समझने को तैयार है ना कुछ? इसी वजह से इसका घर खराब हो गया।